मॉडल टाउन स्थित काजा शोरूम से चार महिलाएं पांच सूट जिनकी कीमत करीब 70,000 रुपये है चोरी करके ले गई। 25 जून को शॉपिंग के बहाने शोरूम में ये महिलाएं पहुंची थी। करीब 20 मिनट तक महिलाएं शोरूम में रही, उसके बाद बिना कुछ खरीदे ही सिल्वर रंग की i10 कार में बैठकर चली गई। शोरूम संचालिका ने जब स्टॉक मिलाया तो पांच सूट कम मिले। सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो घटना साफ हो गई। पुलिस को शिकायत की गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। संचालिका एकता चोपड़ा ने बताया कि यह घटना 25 जून दोपहर करीब 2:30 बजे की है। उस वक्त वह लंच करने अपने घर गई थी। उस काउंटर पर सेल्स गर्ल्स मौजूद थी। चार महिलाएं शोरूम में आई और हैंगर पर लटके लेडीज सूट देखना शुरू कर दिया। सेल्स गर्ल्स ने कहा कि वह संचालिका को बुला देती है, लेकिन महिलाओं ने उसे अपनी बातों में फंसाए रखा। दो महिलाएं सूट की आड़ बनाकर खड़ी हो गई और पीछे खड़ी दोनों महिलाओं ने सूटों को अपने कपड़े के अंदर लगे बैग में हैंगर सहित रख लिया। वह हैंगर साथ इसलिए ले गई ताकि खाली हैंगर को देखकर किसी को शक ना हो जाए। करीब 20 मिनट तक महिलाएं शोरूम में रही हैं और बाद में बेटी को साथ लाने की बात कहकर वह बिना कुछ खरीदे ही शोरूम से बाहर चली गई। एक्चुअली मैं शॉप पे अकेली थी, लंच टाइम था, भाभी जी खाना खाने गई थी और मैं भी खाना खाने जा रही थी। तो चार लेडीज आती हैं, पैदल आती हैं और फिर सूट वगैरह देखती हैं। मैंने बोला मैं भाभी जी को बुला के लाती हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं, पहले हम चूज कर लेते हैं फिर बाद में बुलाना, पहले हम पसंद कर लेते हैं। और फिर उन्होंने पसंद किए, उन्होंने ये भी बोला ठीक है हम अपनी डॉटर को लेके आते हैं, इतने आप ये मेरा पीस निकाल के रखो। और फिर उन्होंने कुछ पीसेस निकाल लिए हमारे, महंगे से महंगे पीसेस। एक्चुअली हमारे पांच पीस लेके गए हैं वो, और उन्होंने मतलब ऐसे कवर किया हुआ था, ऐसे सूट को उड़ाया हुआ था मतलब। और फिर एक मतलब डाल रही थी बड़ा सा फ्रॉक पहन के, वो आई पैदल थी और गई वो आईटिल कार में, क्योंकि उनको पता था कि जो एक्सपेंसिव पीसेज हैं वो ही उन्होंने पिक करे हैं। एक लेडी ने तीन पीसेज मतलब चुराए हैं और एक लेडी ने दो पीसेज अपने कपड़ों के अंदर डाल के, और विद इन 15 मिनट्स वो अपना मतलब काम करके चली गई हैं। और जो मेरी लड़की थी यहाँ पे, जो सेल्स गर्ल थी, उसने बोला कि मैं भाभी को बुलाती हूँ, आप रुको आप रुको, उसको बुलाने ही नहीं दिया, उसको फोन भी उसका छूने नहीं दिया। मतलब इतना उसको बातों में बिजी करके रखा कि नहीं अभी हम चूज कर रहे हैं, अभी हम चूज कर रहे हैं, फिर तू भाभी को बुलाना, फिर तू भाभी को बुलाना, फिर अपने साथ मतलब किसी और को बुलाना। अराउंड 60,000 के थे पीसेस, मतलब एक पीस नियर 14-15,000 का था और 5 पीसेस वो लेकर गए हैं। थोड़ा केयरफुल रहे इन लेडीज से, स्पेशली अब मास्क पहना हुआ है तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कौन थी, क्योंकि कपड़ों से तो नहीं बता सकते कि कैसी थी कौन थी। कज़ा बाय एकता चोपड़ा है, मॉडल टाउन में है। अभी हमने रिसेंटली दिवाली पे ये खोला था, 6-7 मंथ्स हुए हैं अभी। कुछ कह नहीं सकते, बट जिस तरह से उन्होंने पीसेस, जो सिलेक्टिव पीसेस ही उठाए हैं, उससे लगता है कि वो पहले वो चूज करके गई थी, क्योंकि ये सारे मिक्स्ड वैरायटी पड़ी है तो उन्होंने सिर्फ एक्सपेंसिव पीसेस ही उठाए हैं। तो लगता है कि पहले से उनकी प्लानिंग थी या पहले से वो सेलेक्ट करके अच्छे से पूरा प्लानिंग कर आई थी। किस चीज में आए थे वो? i10 कार में आए थे, सिल्वर कलर की।